यदि हम सभी हिंदू पुराणिक कथाओं को उठाएं, तो उनमें एक समान बात दिखती है और वो है वरदान और श्राप। हर घटना वरदान या श्राप से ही संबंधित है। संपूर्ण महाभारत चमत्कार रहस्य वरदान और श्राप का एक लोखा झोंका है और महाभारत की कथा में भी सैकड़ों श्राप उपस्थित हैं। और आज इस वीडियो में हम शेष 5 प्रमुख श्रापों की बात करेंगे। ये इस वीडियो का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद भी आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और बोलें राधे राधे राधे। दुर्योधन को श्राप। एक बार वेद व्यास जी ने कृतराज से मिलकर कहा कि महर्षि मैत्रेय यहाँ पर आ रहे हैं, वे पांडवों से मिलकर अब आप लोगों से मिलना चाहते हैं, वे ही तुम्हारे पुत्र को पांडवों से मेल मिलाप का उपदेश देंगे। इस बात की सूचना मैं देता हूँ कि वे जो कुछ भी कहें बिना तर्क वितर्क के मान लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैत्रेय की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो वे क्रोध में आकर श्राप भी दे सकते हैं, इसलिए शांति पूर्वक उनकी बातें सुन लेना। अमल करना या नहीं करना यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इतना कहकर वेद व्यास जी वहां से चले गए। धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा व सत्कार करने लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान आपकी यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? पांचों पांडव कुशलता पूर्वक तो हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वहीं यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों के जुए में धोखे से हरा कर वन भेज दिया है। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से यह कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है, शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो, गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और वो व्यंगपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोंक दी। दुर्योधन की यह हरकत देखकर महर्षि का क्रोध आ गया और तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया कि तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांति पूर्वक सुन नहीं सकता। जाओ दंडी, जिस जंगा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंगा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घमासान युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंगा पर वार कर अंत में उसकी जंगा उखाड़ फेंकी। द्रौपदी का घटोत्कच को श्राप। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशाल काय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर भीम पुत्र घटोत्कच का वध किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, परंतु वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता के राज्य में आया था तो अपनी माँ हिडिम्बा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। इस पर द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वे उस पर चिल्लाई कि वे एक विशिष्ट स्त्री हैं, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसके प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है और उसने अपने दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तो बिना किसी लड़ाई के ही मारा जाएगा। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बरबरीक और दूसरे का नाम अंजन परवा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंठका से हुआ था। इस कामकंठका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बरबरीक एक बहुत बड़ा दानवीर भी था और साथ ही बरबरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, अर्जुन और कर्ण से भी बड़े। बरबरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया था। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे और वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण को श्राप।
महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदु वंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौट कर यदुवंश को लेकर प्रयाग क्षेत्र में चले आए। यदुवंश अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया। कुछ दिनों पश्चात महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया और इससे यदुवंश में एक आपसी युद्ध भड़क उठा। वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुकी बचे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने अपनी देह का त्याग किया और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेली आया। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का पैर दिखाई दिया। बहेली ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैर में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं, अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें क्योंकि वह नगरी अब जल में मग्न होने वाली है। मेरे माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे अपने धाम को लौट गए। श्रीमद भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए और अंत में युधिष्ठिर सा शरीर स्वर्ग पहुंचे थे। संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। अर्जुन को मिला श्राप। एक बार अर्जुन इंद्र सभा में थे। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उर्वशी नामक एक अप्सरा ने उनसे प्रणय निवेदन किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें मां समान मानकर इस निवेदन को ठुकरा दिया। तब उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को एक वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी से श्रापित होना स्वीकार किया परंतु संयम नहीं तोड़ा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, आज से एक नपुंसक का जीवन व्यतीत करो। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम तक पहुँच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु श्री कृष्ण ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, परंतु अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया।
यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही तुम सड़ोगे। भगवान श्री कृष्ण का श्राप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी थी कि गर्भ में भ्रूण को मारना सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है और यह सबसे भारी सजा का हकदार है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया है कि अजन्मे बच्चे को मुनि कहा जाता है, उसे मारना एक ऋषि की हत्या है, क्योंकि वह अजन्मा आत्मा सभी कर्मों से मुक्त है और शांति और ज्ञान के शिखर पर निवास करती है। तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूँ। तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।